मैं आपको 8-10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो दीपावली पे बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े दिमाग के तेज लोग गलतियां कर देते हैं। ये गलतियां दिमाग से हमेशा स्किप हो जाती हैं, याद सब रहता है लेकिन अंत में गलती हो ही जाती है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी दर्शकों का। भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास वक्त नहीं होता। दीपावली वाले दिन हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, हम बहुत बिजी होते हैं और धीरे धीरे वक्त जो है निकलता जाता है, शाम होती चली जाती है, पूजा का मुहूर्त नजदीक आ जाता है और भगवान की भक्ति भी करनी है। अगर आज लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं किया तो फिर मौका कब मिलेगा? जब व्यक्ति को दिखता है कि अब वक्त कम है तो सब काम जल्दबाजी में करने लगता है। जल्दबाजी में दीपावली वाले दिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी माफी हमें नहीं मिलती है और भविष्य में हमें धन की कमी मिलती है। और फिर हम बाद में ये कहते हैं, हमने तो बहुत अच्छे से किया था, हमने तो हजारों रुपए खर्च किए, हमने तो पंडित भी बुलाया था, हमने तो पूजा भी समय से शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है मैं आपको बताऊंगा। इन गलतियों को अगर नहीं करेंगे तो मजा जरूर आएगा। आइए जानते हैं दीपावली वाले दिन हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए या भूल चूक में हम ये गलती कर ही बैठते हैं। तो एक बार आप इसको वीडियो को पूरा समझ लेंगे तो फिर आप गलती नहीं करेंगे, और ये गलतियां नहीं करेंगे तो फिर शुभ दीपावली हमेशा बनी रहेगी पूरे वर्ष भर। नंबर 1, लक्ष्मी पूजन के लिए जो भी हम फूल इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल शुद्ध और ताजे टूटे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में फ्रिज में रखे हुए हैं, 2 दिन पहले खरीद लिए थे, या कहीं से ऑनलाइन मंगाए हैं, या एक ही साथ पूरे 1 हफ्ते के फूल मंगा लेते हैं कई लोग और रोज रोज एक फूल भगवान को चढ़ा देते हैं, तो ये सब गलत है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होंगी, हर देवी देवता नाराज होता है। फूल या तो ना हो चलेगा, अगर है तो शुद्ध फूल टूटा हुआ होना चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा ही फूल क्यों ना हो। अब फूल तोड़ने से पहले आप नहाएं धोएं, अपने आप को स्वच्छ रखें। ये नहीं कि उठे और गए कहीं से फूल तोड़ के ले आए, ये सब गलतियां मत करिएगा। गंदे कपड़े, फटे कपड़े पहनकर दीपावली वाले दिन मत रहे, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने। दीपावली वाले दिन जो क्या कहते हैं, जो फूल आप प्रयोग करें वो कोशिश ये करें कि वो फूल सफेद रंग के भी उसमें होने चाहिए, गुलाब के भी होने चाहिए, मिक्स फूल होने चाहिए। कई 5 प्रकार के फूल अगर होंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे। और तोड़ने का तरीका वही है कि नहा धोकर तोड़े और ताजे फूल होने चाहिए। पूजा से पहले और पूजा के बाद में स्नान जरूर करें और माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। दीपावली की रात को सोए नहीं, माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, माँ लक्ष्मी को याद करें तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। दीपावली की रात को पत्नी के साथ या किसी भी स्त्री के साथ संभोग करना बहुत ही कष्टकारी होता है, यानी कि आपको माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपसे रूठ भी सकती हैं। मांस मछली का प्रयोग या नशे का प्रयोग भूल कर भी ना करें दीपावली वाले दिन। जुआ इत्यादि बिल्कुल भी ना खेलें दीपावली वाले दिन। जो भी दरवाजे पर आए उसे भीख नहीं, उसे उपहार दें। आज गिफ्ट देने का दिन है, गिफ्ट दीजिए, सम्मान से दीजिए। घर की जो झाड़ू है उसको पैर वैर ना मारें और सही जगह पर रखें, उसके ऊपर पूजन करें। किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, प्यार से बातें करें, झगड़ों से बचें। दीपावली वाले दिन सूर्य उदय से पहले सोकर उठें, साफ सफाई करें, घर पे चद्दर वद्दर जो बैठी होती है उसे बदलें अच्छे से, बाथरूम वाथरूम क्लीन रखें, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से रखें, रंगोली सजाएं, ये सब आपको करना चाहिए। साफ सफाई बहुत होनी चाहिए। गलती से भी कोई गलत तरीके से धन ना कमाएं या कोई गलत विद्या का प्रयोग ना करें अपनी, कोई आपके पास ज्ञान है उसका गलत प्रयोग करके आप किसी को हानि ना पहुंचाएं। और अगर आप दीपावली वाले दिन व्रत वगैरह रखते हैं तो नियम से व्रत वगैरह रखें और घर को खूब रोशन करें, खूब दिए जलाएं, दीपक जलाएं, खास करके तेल के दीपक जलाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। ना तो मोमबत्ती या जो आर्टिफिशियल दिए आते हैं इन सबको जलाने की आवश्यकता नहीं है। मोम है वो केमिकल वगैरह होता है, तेल या देसी घी के दीपक जलाएंगे तो और बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और सजे संवरे एक छोटे बड़े जो भी उनका सम्मान करें, आशीर्वाद लें, तो इससे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। दीपावली में अगर ये गलतियां करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रहे घर में जो भी दीपावली वाले दिन आए उनको खातिरदारी जरूर करें, गिफ्टों का आदान प्रदान करें, खाना पीना खिलाएं,
अगर खाना पीना नहीं भी खिलाते हैं तो प्यार से बात करें। किसी कोई भी व्यक्ति जब आए, खास करके कोई सुहागन महिला आए, उसे दरवाजे से वापस ना करें, उनको अंदर बुलाएं, बिठाएं, सेवा पानी करें, तो समझ लीजिए आपके लिए और भी बेहतरीन रिजल्ट मिलने का समय होगा इस दीपावली में। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी सी बातें आप याद रखेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट तभी पा पाएंगे जब हम नियमों का पालन करेंगे। जैसे आप ट्रैफिक में जाते हैं, छोटी सी गलती करते हैं तुरंत चालान कट जाता है, वैसे भगवान के दरबार में भी अगर गलती करेंगे तो चालान कट जाएगा, और चालान कटने का मतलब है नुकसान होना। गलती नहीं करेंगे तो फिर नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होता चला जाएगा। आप सभी की दीपावली बहुत मंगलमय हो, इस प्रार्थना के साथ हरि ओम नमस्कार।